जीवन में समय है तो कृष्ण से बातें करो। जीवन में अगर समय है तो कृष्ण से बातें करो। बहुत से लोग कहते हैं हमारे पास इतना समय नहीं है। जीवन में समय नहीं है तो कृष्ण की बातें करो। मान लीजिए आप संसार में भी रह रहे हो, लोगों के साथ भी रह रहे हो, तो उनके साथ क्या बातें करें? बोले कृष्ण की बातें करो, उनकी लीला की बातें करो, उनके जो भी उनकी जो लीला रस है उसकी चर्चा करो। उससे क्या होगा? बोले आपस में जब भगवान की वार्तालाप होगी तो अपने आप मन में निरंतर उनकी याद बनी रहेगी। एक ही उद्देश्य होना चाहिए हर जीव का कि मेरे मन से किसी भी प्रकार भगवान की याद न हटे, स्मरण न हटे। हम संसार की चीज़ों में कभी कभी इतना फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं कि हृदय में जो भगवान का स्मरण है उसे भूल जाते हैं। कहते हैं भगवान के सामने जाके, बस बाहरी बात भगवान को कहते हैं कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधो च सखा त्वमेव। तुम ही मेरे माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही बंधु हो, तुम ही मेरे धन द्रव्य भी मेरा तुम ही हो, मेरे सखा तुम हो, बंधु तुम हो। लेकिन कहते ही हैं या मानते भी हैं? अगर मानते, अपना कोई रिश्तेदार 7 दिन में, इनमें अगर हमारा कोई रिश्तेदार सब आए, एक आध कोई नहीं आया कथा में, तो बीच बीच में उसकी याद आ जाती है, अरे वो भी होते तो बड़ा आनंद आता, उनको भी बड़ा आनंद आता। हमारा कोई बाल बच्चा बाहर पढ़ने चला जाए तो माता उसको दिन में कितनी बार उसकी माँ याद कर लेती है, कैसा होगा पता नहीं, खाया होगा कि नहीं खाया होगा। याद करने से ही तो अपनापन की पता लगती है। कैसे पता लगेगा कि वो आपके अपने हैं? अपने हैं तो याद आएगी उनकी। इसलिए भगवान की अगर याद नहीं आ रही है, इसका मतलब यह है कि अभी हमारा भगवान से अपनापन नहीं हुआ है। जिस दिन अपनापन हो जाएगा उस दिन अपने आप भगवान की याद आने लगेगी। समय समय आप अच्छा खा रहे हो तो अरे अकेले कैसे खा लेंगे, हमारे ठाकुर जी को खिलाएंगे। हम बढ़िया वस्त्र पहन लेंगे, कैसे पहन लेंगे, हम अपने ठाकुर जी को बढ़िया वस्त्र पहनाएंगे। कई लोग होते हैं घर में लड्डू गोपाल जी तो रख लेते पर सेवा कैसे करते उनकी, 7-7, 10-10 दिन के लिए घूमने जा रहे हैं और गोपाल जी को घर में ताला लगा के और चले गए जी घूमने, ये कैसा अपनापन हुआ? आप अपने घर के बालक को के क्या घर में बंद करके चले जाओगे? कभी नहीं जा सकते, क्योंकि अपनापन है तो फिर ठाकुर जी को कैसे छोड़ दें, हम उनको छोड़ के कैसे मौज मस्ती कर लें। तो ये अपनापन जब तक भगवान से नहीं होगा तब तक स्मरण नहीं होगा, तब तक याद नहीं होगी। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।